में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत यूनिक तरीके से आटे के मोदक। ये मोदक खाने में बहुत हेल्दी होते हैं और ये ऐसे मोदक आपने कभी नहीं बनाए होंगे, तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी गणपति बप्पा मोरिया। मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम आटा, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। मैं पतंजलि घी का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का घी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे और पानी की सहायता से आटा तैयार करेंगे। याद रहे, अपना मोदक का आटा हमेशा सॉफ्ट ही बनाएं। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे और उसे रेस्ट करने के लिए हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा आटा रेस्ट हो रहा है, हम मोदक की स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 30 ग्राम काजू, किशमिश, बादाम, चीनी, इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर का मैंने 3 चम्मच का यूज़ किया है, बाकी सभी चीज़ की क्वांटिटी मैंने सेम दिया है। अब पूरे ड्राई फ्रूट्स को हम पीस लेंगे, काजू, किशमिश, बादाम। ध्यान रहे, इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही होना चाहिए जिस तरह के मैंने पीसी हूँ। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर जल सकता है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ये भूनना है। जैसे ही हमारे गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें हम मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए, इसे हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी शुगर आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए। इसे जब तक पकाना है कि जब तक ही कढ़ाई से हमारी स्टफिंग छोड़ने ना लगे। देखिए मेरा इस तरीके से बन के रेडी है। हमने जो आटा वो 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रखा था, अब वो आटा लेंगे। अब उस आटे के हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। हमें मोदक जितने बड़े चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें पेड़े बनाना है। छोटे मोदक के लिए छोटे पेड़े, बड़े मोदक के लिए बड़े पेड़े। अब एक एक पेड़े लेके हम बेलन की सहायता से पूड़ी तैयार करेंगे। ध्यान रहे, मोदक की पूड़ी हम मोटी ही रखें। अगर आप इसे ज़्यादा पतली करते, इसका स्टफिंग घी में डालने के बाद फूट सकती है, इसलिए मोटी ही पूड़ी बनाइए। इस तरह मैंने सारी पूड़ी बना लिया है। अब ध्यान से देखिए, मैं एक एक पूड़ी को लेके उसे किस शेप में मोदक बनाऊँगी। अब हमें थोड़ा सा स्टफिंग रखना है पूड़ी के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। अब हमें उसे हाथ में लेना है और उंगली की सहायता से हमें एक एक लेयर उठाना है, धीरे धीरे एक एक लेयर को उठाना है। देखिए मैं कैसा कर रही हूँ। अभी सब सारे लेयर को पकड़ के हमें उसे आपस में मिला देना है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा शेप देके तैयार है। अब हम सारे मोदक को तल लेंगे। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक पैन लिया, उसमें हमने घी ऐड किया है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो रहा है, उसमें हम मोदक डाल देंगे। ध्यान रहे, घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मोदक ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर में ही आप इसे तलिए। देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब उसमें हम एक एक करके मोदक ऐड करेंगे, उसको चलाते हुए तलना है इस तरीके से। ये देखिए हमारे मोदक तल के रेडी है। ऐसे आप सारे मोदक को तल लीजिए। अब हम प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। आज की रेसिपी हमारी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ये रेसिपी को
जरूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों अपने फैमिली वालों को शेयर कीजिए।